हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा लुक शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैंने क्रिएट किया है ये स्मोकी आई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने स्किन केयर कर लिए हैं। सो गाइस, स्किन केयर के लिए मैंने यूज़ किया है ये हमारा बीटरूट का फेस सीरम जिसे मैंने बनाया है घर पर। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है और इसे लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा शाइनेबल हो गई थी। सो गाइस, मैं इसका जो रेसिपी है ये आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर, ये ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है, प्लस इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा एक पिंक सा ग्लो आ जाता है और एक अच्छा सा एक ब्राइटनिंग सा इफेक्ट मिलता है। सो मैंने इसे अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे लगा के देन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की विंकी 36 आई शेडो पैलेट। गाइस, दिस पैलेट इज़ रियली नाइस। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट है, प्लस इसके कलर्स और इसकी पिगमेंटेशन तो इतनी बढ़िया है। इट्स रियली नाइस गाइस, और आपको इसमें हर तरह के कलर्स मिल जाएंगे। सो इसमें से मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड जिससे कि मैं फिल करने वाली हूँ अपनी आईब्रोज। सो मैंने अपनी आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर लिया है। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ ये एंगल ब्रश, देन इसे अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल करने वाली हूँ। ये आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस, इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है, सो आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इसमें कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो आज मैं यही पैलेट पूरे मेकअप में यूज़ करने वाली हूँ। देन इसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। सो मैंने ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्राइट कलर लिया है जिससे कि मैं इसे आई बेस की तरह यूज़ कर सकूँ। सो मैंने इसे अच्छे से अपनी आईज पे लगा के देने से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन का जेल आईलाइनर। ये जो ब्रश है ये इसी के साथ हमें मिलता है। सो मैं इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। सो इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना है, बस एक शेप देनी है। सो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। सो हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से अप्लाई करना है। सो ध्यान रखिएगा गाइज कि हमारा जो काजल है वो इधर उधर ना जाए। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ ये पेंसिल ब्रश, देने से अच्छे से ऊपर की साइड से मैं इसे हल्का हल्का सा ब्लेंड करेंगे। सो हमारा जो काजल है हम इसे अच्छे से टाइम लगा के अच्छे से ब्लेंड करिएगा गाइस, जस्ट बिकॉज आप जितना ब्लेंड करेंगे स्मोकी आई उतनी ही ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होके आएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी। देन इसके बाद सेम स्विस ब्यूटी के पैलेट में से मैं ले रही हूँ ये ब्लैक शेड। ये मैट शेड नहीं था, हल्का सा शिमर था इसमें। मैं एक फ्लैट ब्रश से देने से अच्छे से डैब डैब करते हुए अपने आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आई शेडो अप्लाई करने के बाद हमारा जो लुक है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो इसके बाद हम लेंगे सेम आई शेडो पैलेट में से एक कोरल काइंड ऑफ अ शेड ले रही हूँ मैं। आप कोरल काइंड ऑफ अ शेड भी ले सकते हो और एक हल्का सा ब्राउन शेड भी ले सकते हैं। सो हम इसे लेके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ ये मिनी आई शेडो पैलेट। ये मुझे वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो पैलेट के साथ फ्री आया था। इसमें से मैं ले रही हूँ ये लाइक अ सिल्वर एक हाईलाइटेड काइंड ऑफ अ शेड था। इसे लेके देन मैं इसे अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि जो हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छे से इन्हेंस हो गया है। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये वेगा का आईलैश कर्लर। देन अपने आईलैशेस को अच्छे से कर्ल करके देन मैंने यूज़ किया है ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। देन इसे अच्छे से अपने आईलैशेस को विगल करते हुए मैं इसे लगा रही हूँ। सो इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये काजल। मैंने लिया ये लैक्मे का काजल, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ब्लैक काजल है। सो मैंने अपना काजल अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फेस की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन जिसमें ये छोटा वाला ट्यूब है। सो मैं इसे डैप डैप करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इस फाउंडेशन में मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, प्लस ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जस्ट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैट फिनिश देता है और इसकी जो कवरेज है वो भी बहुत ही अच्छी है। सो हम इसे डैप डैप करते हुए अच्छे से देन एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो गाइस, ब्लेंडिंग में टाइम लगाइएगा। आप जितना भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा लुक आता है। सो आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से प्लस ब्रश की हेल्प से आप किसी की भी हेल्प से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। सो जिस भी तरीके से आप ब्लेंड करें बस ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से ब्लेंड करें जिससे कि हमारा जो लुक है वो अच्छे से इन्हेंस हो गया है। सो हम इसे अच्छे से मैंने देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मैंने इसे
ब्लेंड किया है। देन इसके बाद हम लास्ट में एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से और डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लेंगे ताकि जितना भी कुछ अगर ऐसे एक्सेस प्रोडक्ट हो वो निकल जाए। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हमारा कंसीलर जिसमें मेरा शेड है 02। सो हम इसे अच्छे से अपने अंडर आइज़ पे, देन इसके बाद हमें जहाँ पे हाईलाइट करना है वहाँ पे हम इसे लगा लेंगे। देन सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी जस्ट बिकॉज हमने हमारा जो आई लुक है इसे अच्छे से इन्हेंस करके दिखाना है। सो इसीलिए हम इसे कंसीलर अच्छे से यूज़ करेंगे। देन इसके बाद मैं ले रही हूँ ये फिटमी का हमारा कॉम्पैक्ट, मैंने लिया ये थोड़ा सा लाइट शेड है जिससे कि मैं अपने अंडर आइज को अच्छे से बेक कर पाऊँ। हम इसे लाइक 10-15 सेकेंड्स के लिए रखेंगे, देन इसके बाद मैं इसे डस्ट आउट कर दूँगी जिससे कि जो हमारी जो अंडर आइज है वो अच्छे से ब्राइटन अप दिखे। जस्ट बिकॉज हमने स्मोकी आई किया है सो हमारी अंडर आइज अच्छे से ब्राइटन अप दिखनी चाहिए जिससे कि लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। देन इसके बाद एक सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये थोड़ा सा ब्राइट शेड था सो मैं इसे थोड़ा थोड़ा ही करके अप्लाई करूँगी। सो मैं इसे अच्छे से फ्लफी से ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे पाउडर को। देन इसके बाद सेम स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ। देन इसमें से मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्राउन शेड। देन इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे एज अ ब्रॉन्जर। सो मैं इसे हमारे चिक्स पे, देन इसके बाद मेरी जॉ लाइन पे। सो ब्रॉन्जिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जस्ट बिकॉज आप फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा जो फेस वो एकदम से फ्लैट दिखता है। सो ब्रॉन्जर से जो हमारा जो फेस है इसे एक डायमेंशन मिलता है। सो मैं इसे अच्छे से अपने नोज़ पे, देन फोरहेड पे इसे अच्छे से लगा के देन ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि जो हमारा जो फेस है वो फ्लैट ना दिखे। सो हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हमारे ब्रॉन्जर को। ओके, देन इसके बाद हम सेम पैलेट में से यूज़ करने वाले हैं ये पिंक शेड। लाइक पिंक नहीं था ये, बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड था जिसे कि हम एज अ ब्लश यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेरा NY Bake का आईलाइनर। सो मेरा आईलाइनर और मेरी लैशेस डन हो चुके हैं। देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये सेम ब्लैक और ब्राउन कलर जो भी हमने हमारे क्रीज पे यूज़ किया था उसे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से मेरी लोअर लैश लाइन पे इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जस्ट बिकॉज आप जब तक अपना लोअर लैश लाइन पे अच्छे से कलर्स को ब्लेंड नहीं करते तब तक आपका जो आई लुक है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है और अच्छे से इन्हेंस होकर नहीं दिखता है। देन इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेरा मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, प्लस इसमें जो मेरा शेड है वो है मोल्टन गोल्ड जो कि हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सूट होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो मैं इसे अच्छे से ब्रिज ऑफ द नोज़ देन फोरहेड पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन इसके बाद अपनी ब्राउ बोन को भी इसे अच्छे से हाईलाइट करूँगी जिससे कि जो हमारा जो आई लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखे। हम इसे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्राउ बोन पे लगा के देन इसे ब्लेंड कर लूँगी मैं। देन इसके बाद सेम मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम हाइलाइटर हमारा इनर आइज़ पे, जो हमारे आइज़ के कॉर्नर्स है इस पे मैं अपना हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ। देन इसे कॉर्नर्स पे लेके इसे हल्का से नीचे साइड से थोड़ा सा आगे तक लेके जाऊँगी जिससे कि जो मेरी आइज़ है वो अच्छे से बिगर नज़र आए। ओके, देन इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ ये पिंक न्यूड शेड। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है गाइज और मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेस किया है। इट्स वेरी नाइस शेड और ये हमारे स्मोकी आई पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था। मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। देन इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे। आप देख सकते हैं कि अभी दोपहर का टाइम है आपको थोड़ी थोड़ी धूप भी नज़र आ रही होगी जस्ट बिकॉज मैं नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ। मैंने अपने स्प्रे को अच्छे से हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप कर लेंगे। देन इसके बाद मैंने चेंज कर लिया है अपना आउटफिट। गाइज हियर इज माय फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।